मसले तफजील बयान करने लगा हूं और तफजीलियों की गर्दन पे रख के बयान करने लगा और टेंच भाटे में बैठ के बयान करने लगा हूं और पूरी तहकीक का मक्खन निकाल के जुबदा। अरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, सुनो आला हजरत का नाम लेते हो बेईमानो, आला हजरत का तुम्हें पता कहाँ है? सुनो आला हजरत क्या लिखते हैं, मसले तफजील में हमारा वही अकीदा है जो मौला अली का अकीदा है। अब जरा तवज्जो करना, मौला अली का अकीदा क्या है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ये 28वीं जिल्द आप खोलिए, सफा 763 खोलिए, 28वीं जिल्द का। आला हजरत फरमाते हैं जो लोग मौला अली को फजीलत देते हैं अबू बकर उमर पे, उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि मौला अली अपने आप पर किसको फजीलत देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं जो मसले तफजील में शेखैन करीमैन पर फजीलत देते हैं मौला अली को, उनसे पूछिए जनाब ये तो बताइए मौला अली खुद अपने आप पर किसको फजीलत देते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो मसले तफजील को समझता है जन्नी, उससे पूछो उसके सर पे कुरान रखो कि तू इसको जन्नी समझता है, मौला अली तो इसको कति समझते हैं। मौला अली ने क्या फरमाया, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली फरमाते हैं जिसको मैंने देखा कि वो मुझे फजीलत देता है अबू बकर उमर पर, वो मुफ्तरी है, वो झूठा है, उसको मैं अपने हाथों से ऐसी कोड़े लगाऊंगा। आला फरमाते हैं ये मौला अली का हद जारी फरमाना, इससे पता चलता है कि मौला अली मसले तफजील को जन्नी नहीं समझते थे, कती समझते थे। अब आला हजरत ने खुदा की कसम वो बात कही है जो सालों साल पे मुहित मुझे सरगर्दा रखती थी और मैं ये बात सोचता रहता था यार मसले तफजील के अंदर चंद सहाबा के अकवाल भी मिल जाते हैं, अइमा आले बैत के अकवाल भी मिल जाते हैं जिन्होंने मौला अली को फजीलत दी शेखैन करीमैन पे, फिर मसला कैसे हल हो गया? आला हजरत फरमाते हैं हल करते हैं मौला अली के फरमान से। खुदा की कसम सुनियो वो बात करने लगा हूं, आपके टेंच भाटे की जमीन हिल जाएगी जो मैं तहकीक आला हजरत की बयान करने लगा हूं। तवज्जो है आपकी? कहते हैं जी फलां ने अगर मसले तफजील में मौला अली को फजीलत दी तो वो तो अहमे आले बैत से है, फलां ने अगर वो तो सहाबा से है। मैंने कहा भले हो, कहा जी फिर क्या कहोगे? मैंने कहा जो आला हजरत ने कहा है। जी आला हजरत ने क्या कहा है? मैंने कहा मुझे ये बताओ जंगे जमल और जंगे सफीन में आला हजरत ने क्या कहा है? कहा मौला अली हक पे। मैंने कहा मुकाबले में कौन थे? कहा वो भी सहाबा थे। मैंने कहा उनकी शरी हसीयत क्या है? पता इज्तिहादी है। आला हजरत फरमाते हैं आला हजरत की बरकत से हम फरमाते हैं, आला हजरत की बरकत से हम फरमाते हैं। अगर इसका जवाब हो तो पुत्र दूसरी बार जंग कभी आवड़ मैंने जवाब दे कि जनाब जंगे जमल और जंगे सफीन में मौला अली हक पे हैं, तो सिर्फ जंगे जमल और जंगे सफीन में मौला अली हक पे नहीं है, मसले तफजील में मौला अली हक पे है। भाई जंगे जमल और जंगे सफीन में मेरा अली हक पे, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया ऐ अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है, तो हर मकाम पे अली हक पे है। अगर जंगे जमल जंगे सफीन में अली हक पे है तो मसले तफजील में मौला अली हक पे है। अगर जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली के जो मुकाबले हैं उनसे खता इत्तेहादी हुई है तो मसले तफजील में भी, अगर जिसने मौला अली के हुक्म के और कौन के मुआरिज और मुखालिफ कौन किया है, आला हजरत का फरमान है वो भी खाती है। 763 सफ़े पे मेरे आला हजरत ने लिखा कि जिसने मसले तफजील में जन्नी का कौल किया वो आला हजरत का, वो मौला अली का रद्द कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं चाहे वो जिस कद काट के हैं मौला अली से नीचे हैं। जिन्होंने मसले तफजील में मौला अली को फजीलत दी है वो मौला अली से नीचे हैं। इमाम ज़ैद शहीद हो तो नीचे हैं। तो कहा फिर उनका कौल, फरमाया खता पे मबनी है, हक पे अली है, और हक वही है जो अबू बकर के और अबू उमर के हक में हक मौला अली ने बयान किया है। मसले
तफजील में हमारा अकीदा वही है जो मौला अली का है।